दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो कभी भारत का ही एक अंग था। एक ऐसा देश जिसने भारत के साथ ही अंग्रेजों से आज़ादी पाई थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा देश जिस देश के लोग हमारे भाई हुआ करते थे। यहाँ तक कि दोस्तों, इस देश के साथ एक ही थाली में खाना खाया जाता था। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब अलग हो गया। सीट बेल्ट बांध लीजिए, निकलते हैं पाकिस्तान के एक शानदार सफर में। हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। देश की कुल आबादी 22 करोड़ है और पॉपुलेशन के मामले में ये पूरी दुनिया में 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली एक बात है कि पाकिस्तान के 8% लोग ही उर्दू बोलते हैं और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है पंजाबी, क्योंकि आधे से भी ज़्यादा आबादी पंजाबी बोलती है। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा? दरअसल पाकिस्तान दो वर्ड मिला के बना है, पाक जिसका मतलब पवित्र और दूसरा है स्थान, यानी कि जिसका मतलब है जगह, मतलब कि पाकिस्तान जिसका मतलब है पवित्र जगह। अब ये कितना पवित्र है, ये तो कुछ देशों को छोड़ के पूरी दुनिया को पता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पंजाब सिर्फ हमारे देश का ही हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि पंजाबी लोगों का बोलबाल इतना ज़्यादा है कि करीबन आधा पाकिस्तान पंजाबी ही बोलता है। यहाँ भी वही सारे पंजाबी रीति रिवाज मनाए जाते हैं जो कि हमारे देश के पंजाब में होते हैं। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि किस देश में हिंदू की भी जनसंख्या है। वो अलग बात है कि यहाँ पे बहुत ही कम हिंदू मिलेंगे। पाकिस्तान में आपको मंदिर भी मिलेगा और यहाँ के लोग कीर्तन करते हुए भी दिखेंगे, साथ ही यहाँ पे चर्च भी है। साथ ही इस देश में दिवाली भी मनाई जाती है और क्रिसमस भी। दोस्तों, जैसे एक खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही हम आपको बताते हैं कि ये पाकिस्तान पे कैसे लागू होता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही दिलखुश हैं, लेकिन दोस्तों उनकी इस देश में अपनी चलती ही नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर इस देश की छवि गुंडों वाली बन गई है। ऐसे में दोस्तों, इन लोगों को अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में चोरों की नज़रों में देखा जाता है। दोस्तों, क्या आपने खेवरा सल्त माइन के बारे में सुना है? नहीं तो आपको बता दें, ये पाकिस्तान में सबसे पुराना माइन है। ये पूरी दुनिया में सबसे पुरानी माइन में से एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी माइन है। खैर छोड़िए, जानते हैं एक बात जो आपको बहुत ही खुशी पहुँचाएगी। जानते हैं वो क्या है? वो है फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ही दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल का एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान में ही फुटबॉल बनाए जाते हैं और दुनिया में जितने भी फुटबॉल हैं, 80% फुटबॉल पाकिस्तान से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, आर्ट के मामले में पाकिस्तान बहुत ही अमीर है। यहाँ के सिंगर्स बहुत ही पॉपुलर हैं। कई बड़े बड़े स्टार्स और सिंगर्स को आपने बॉलीवुड में गाते हुए सुना होगा, लेकिन दोस्तों आज भी इस देश में फिल्म मेकिंग का कोई कल्चर नहीं है। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान में भी इंडियन हीरोज के ही पोस्टर हर जगह मिलते हैं। आपको पता है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है, जिसमें उर्दू और पंजाबी जैसी भाषाओं में मूवीज बनती हैं। ये तो है कि लॉलीवुड का लेवल बहुत ही कम है, बस एक वही कारण है जो यहाँ के एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में आते हैं। तभी दोस्तों, यहाँ पे सलमान खान के फैन फॉलोइंग हद से ज़्यादा हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं और आपकी पढ़ाई पे 2 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च हुए, तो वहाँ की सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है। अजीब है, लेकिन और क्या ही कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में शिक्षित की मात्रा सिर्फ 60% है और महिलाओं में शिक्षित का मात्र 46% से भी कम है। आज भी यहाँ के कई इलाकों में महिलाओं को काम नहीं किया जाता।
पाकिस्तान के ट्रक दुनिया में सबसे खूबसूरत माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने ट्रक्स को दुल्हन की तरह सजाते हैं। शादियों में दुल्हन इतनी नहीं सस्ती जितने यहाँ के ट्रक सजाए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों से बनाया हुआ हाईवे आपको पाकिस्तान में ही मिलेगा। इस हाईवे का नाम है दी काराकोरम हाईवे। ये बहुत ही खूबसूरत हाईवे है और यहाँ पे गाड़ी चलने का अपना ही अलग मज़ा है। यहाँ के युवा छुट्टियों में इसी रोड पे मस्ती मारने निकल जाते हैं। आजकल पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चीन है। जी हाँ, वही चीन जिसने हमारा 3 साल से काम धंधा बंद करवा रखा है। लेकिन आप जानते हैं, ये बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, ये बात है चीन के सोच की। इस चीन ने ही पाकिस्तान की गरीबी का मजाक बना के रखा हुआ है। चीन के कर्ज के तले पाकिस्तान इतना झुक चुका है कि अब चाह के भी नहीं उठ सकता। वैसे पाकिस्तान के लोग होते बहुत ही भोले भाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है वो 2 साल पहले की घटना, जब चीन के कारण ही कोरोना वायरस आया था। जब पाकिस्तान के लोगों को मास्क की ज़रूरत पड़ी, तब इन्होंने ऑर्डर दिया चीन को मास्क के लिए। जानते हैं तब चीन ने क्या करा? इन्होंने पाकिस्तानी लोगों के लिए यूज़ करे हुए अंडरगारमेंट्स का मास्क बना के बेच दिया। और ऐसे धोखेबाज देश के साथ दोस्ती करता है ये पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम पाकिस्तान में ही है? जी हाँ, ये हंजा वैली में है, जिसकी हाइट तकरीबन 16,000 फीट है। पाकिस्तान के नेशनल बैंक का ये एटीएम है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सिस्टम पाकिस्तान में ही है। यहाँ के लोग सांस लेना भूल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश में एम्बुलेंस का सबसे बड़ा नेटवर्क है। पाकिस्तान में आपको हर जगह एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। यहाँ तक कि गांव से लेकर शहर तक में आपको जगह जगह पे एम्बुलेंस मिलेगी। ये वाकई में एक बड़ी प्राप्ति है। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हालत इस समय ठीक नहीं है। इस देश में कई तरह की गैंग हैं जो सरकार के नीचे काम करती हैं। बस एक यही वजह है दोस्तों, जो इस देश को सबसे खतरनाक देश में से 8वें नंबर पर रखा जाता है, जो इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब गंदे लोगों के साथ रहते हैं तो आपको ही नुकसान उठाना पड़ता है। इस देश के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इन्हें भी खूब नुकसान उठाना पड़ा है। जानते हैं कैसे? पाकिस्तान में कोई भी बाहर से टूरिस्ट नहीं आना चाहता, जबकि यहाँ ऐसी कोई शानदार जगह है जो आपको कहीं शायद ही ना देखने को मिले। लेकिन यहाँ के कुछ संगठन ने यहाँ का माहौल कुछ बेकार बना रखा है। बस एक यही कारण है दोस्तों, जो आज के दिन में पाकिस्तान में हजारों में भी टूरिस्ट नहीं आते हैं। क्या आपने इस्लामाबाद के शाह फैजल मॉस्क के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा मस्जिद है। मस्जिद में एक साथ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इतवार के दिन अलग ही माहौल होता है। पाकिस्तान की बात करें और वहाँ के खाना याद न करें, तो दोस्तों ये लोग भी हमारी तरह ही खाने के बहुत ही शौकीन हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ से बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में भी गन्ने को उगाया जाता है और यहाँ भी गन्ने के जूस को स्वाद लेके पिया जाता है। बस एक यही कारण है दोस्तों, जो पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक गन्ने का जूस है। दोस्तों, पाकिस्तान की महिलाओं को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं और इनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है, जबकि इन्हें बहुत ही ज़्यादा आज़ादी नहीं मिली हुई है और आज भी ये अपने अधिकार के लिए स्ट्रगल करती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपीस, जो कि भारत की 0.42 रुपीस के बराबर है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान का नेशनल एंथम सबसे लंबा है, जो कि पूरे 80 सेकंड तक चलता है। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया का पहला PC वायरस की, तो वो भी यहाँ के 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था, बसीत फरूक अली और अमजद फरूक अली। इन दोनों ने मिलकर पहला वायरस बनाया था, जिसका नाम था ब्रेन, जो कि 1986 में बना था और इन्होंने टारगेट करा था IBM PC प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी।
हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, या आपको पाकिस्तान की कौन सी बात सबसे अजीब लगी हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।